हम लोगों ने प्लान किया जी एक न्यू एडवेंचर बाइक। आप लोगों को पता है मल्टी स्टार्टअप है, इन लोगों ने मेरे साथ हैंड किया है। मेरा मल्टी स्टार्टअप मंगवा के यहाँ पे इनने सेल कर दिया। अब जनाब ये सीन हुआ कि हम लोग ढूंढ रहे थे एक नया एडवेंचर बाइक। एडवेंचर टूरिंग करते हुए हमें तकरीबन 1 साल के करीब हो गया, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं है, मगर फिर भी सीखने को बहुत कुछ मिला। और सीखते सीखते हमने ये भी सीखा है किस तरह का बाइक हमें लेना चाहिए, किस तरह के बाइक्स होने चाहिए, क्या क्या बाइक्स के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिन जगहों पे हम जाते हैं बाइक का वेट, उसका हाइट, उसकी लेंथ, हर चीज़, कितना वो लगेज उठा सकता है, कितने पैसेंजर उठा सकता है, उसकी सस्पेंशन कैसी है, उसकी थ्रॉटल पावर कैसी है, सबसे बड़ी बात उसके अंदर इंजन कौन सा है। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी को पिछले 4 दिनों से बहस चल रही थी। मैं इधर ही लाहौर में था और हम लोग बाइक ढूंढ रहे थे, कोई एडवेंचर बाइक। बहुत सारी ऑप्शन हमारे सामने आई, ये बाइक कौन सा है आज हम इस वीडियो में रिवील करेंगे। मगर उससे पहले ज़रा हम थोड़ा सा सनी भाई और सईद भाई का भी वर्डिक्ट लेते हैं। सनी भाई ने मुझे बड़ा कन्विंस किया इस बाइक के ऊपर, सईद भाई ने भी मुझे बहुत कहा कि ये वाला बाइक आप लें, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। और फिर मैं इसको एक राइड के ऊपर भी लेके गया, तकरीबन हम सब ने मिल के भाइयों ने कोई 1-2 घंटे की राइड की थी संडे वाले दिन। थोड़ा सा सनी भाई से इनपुट लेते हैं इस बाइक के बारे में, मगर इस बाइक को रिवील करने के बाद। बाइक होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। वो छोटी सी हमने सिनेमैटिक बनाने की कोशिश की है, मेरी आदत नहीं है वीडियोस के अंदर सिनेमैटिक डालने की, मगर फिर भी आप लोग इन्जॉय करते हैं। तो अभी सनी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर बाइकर सईद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे ज़रा थोड़ा सा बाइक के बारे में पूछेंगे। चौधरी साहब मेरे पीछे लगे हुए थे कि आपने अफ्रीका ट्विन लेना है। अच्छा, उन्होंने मुझे एक बात मैं और बता दूँ कि सनी भाई ने जब मुझसे 3 दिन पहले से ये बात करना शुरू की, उन्होंने कहा आप अफ्रीका ट्विन ढूंढो ऑनलाइन, मैं भी ढूंढता हूँ, 2-3 दिन में हमें कोई ना कोई कनाडा के अंदर यूके में मिल जाएगा, हम फ्रेश मंगवाते हैं। तो वो चाह ये रहे थे कि मैं अफ्रीका ट्विन लूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर बाइक्स आ रहे हैं और जिस तरह से सेल हो रहे हैं मुझे पता है, ठीक है, बाइक जो एडवेंचर टूर बाइक आता है वो रुकता ही नहीं है, तो बाइक रुक ही नहीं रहे। इसी तरह से सनी भाई ने मुझे कहा कि अगला कंटेनर मैं मंगवा रहा हूँ उसके अंदर सारे एडवेंचर बाइक होंगे, तो आप अपना भी चूज़ कर लो। तो मैं फिर इसी कश्मकश में था, मैंने कहा यार ये ना हो कि 2 महीने बाइक आने में लग जाएंगे, उससे पहले ये कोई टूर प्लान करके निकल गए तो मैं रह जाऊंगा, तो इसलिए मैंने बाइक लेना है, तो मैं इस बाइक पे आ गया। तो अफ्रीका ट्विन के बारे में थोड़ा सा सनी भाई से पूछते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने टूर्स किए हैं, आपने सारे व्लॉग्स भी देखे हैं, उसमें मैंने अफ्रीका ट्विन भी चलाया है और मैंने बाकी दूसरे बाइक्स भी चलाए हुए थे, लेकिन जो मज़ा मुझे अफ्रीका ट्विन पे आया है वो मुझे किसी पे नहीं आया। मैं लास्ट अफ्रीका ट्विन के बाद मैं 850 पे भी गया और उसके अलावा मैंने बाकी भी बाइक्स लाए हैं, लेकिन अफ्रीका ट्विन पाकिस्तान के अंदर टूरिंग के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जो सस्पेंशन है, इसके जो शॉक ट्रेवल है वो इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी जंप से या किसी भी खड्डे से आपको गुजरते हुए आपको और मज़ा आता है, आपको प्रॉपर फील होता है कि बाइक को कुछ भी नहीं हुआ और बाइक ने भी इंजॉय किया और आप भी ऊपर बैठे हुए इंजॉय करते हैं। तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद कर रहा था। और इसमें एक और बड़ा एडवांटेज जो अभी आगे फ्यूचर में आप सारे जितने भी बाइकर्स हैं, मैं गारंटी कहता हूँ कि आप सारे इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, वो DCT है। जैसे आपको पता है कि पहले पाकिस्तान में मैनुअल गाड़ियाँ चलती थी, तो जब शुरू में ऑटो आई तो लोगों ने कहा यार ये क्या है, समझ नहीं आ रही क्या होगा, बिकेंगी कैसे, लेकिन फिर जब वो फ्यूचर होता है, जब वो मार्केट में आ गई तो उसके बाद फिर अब ऑटो ही बिकती हैं, मैनुअल कोई भी नहीं लेता।
तो इसके साथ भी ऐसे ही है। DCT एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब आप उसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो आप इतना ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं कि आपको दोबारा से पीछे नहीं जाते, आप फिर कहते हैं कि अब मैं DCT ही चलाऊंगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त इसका प्लस पॉइंट है, इसकी सस्पेंशन, इसका इंजन। होंडा ने इस बाइक के ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप अगर इसकी वीडियोस ऑनलाइन भी देखेंगे तो अफ्रीका ट्विन ने तकरीबन जितने भी टूरिंग बाइक्स हैं सबको पीछे छोड़ दिया हुआ है अपनी इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो मैं इसी वजह से बार बार जो है डॉक्टर साहब को रिकमेंड कर रहा था, फिर डॉक्टर साहब ने जब लास्ट राइड की है तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था लेकिन उनको अंदर से पसंद आ गया था बाइक ना, तो आज फिर ये हमारा डील होगी आपके सामने बाइक। सईद भाई आपने भी सारे बाइक्स लाए हैं, बिल्कुल, आपको आप क्यों डॉक्टर साहब को मशवरा देते थे इस बाइक का, आपको क्या इसमें पसंद आ रहा था? सबसे पहले तो सनी भाई इसके अंदर DCT है, ठीक है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, ठीक है, कि ये ऑटोमेटिक बिहेव करते हैं, ठीक है, बाइक के अंदर ये आपको टूरिंग के अंदर सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, बिल्कुल। दूसरा इस बाइक के अंदर आप देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड की हीटेड ग्रिप्स हैं, जी जबरदस्त। उसके अलावा इसके अंदर काफी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगी हैं, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बताते जाता हूँ साथ साथ क्या कुछ लगा हुआ है। SW मोटेक के जनाब इसके अंदर हैंडराइजर लगा हुआ है, ठीक है, वैली पैन इसका SW मोटेक का है, ठीक है, फुट पैक्स भी इसके अंदर SW मोटेक के हैं, ठीक है, इसके अंदर काफी ज्यादा एड ऑन्स हैं, जी ठीक है, तो डॉक्टर साहब को मजा कराएंगे टूरिंग के अंदर, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा डिसीजन पसंद आया होगा। जैसे जैसे हम इसके ऊपर राइड करते जाएंगे, जैसे मल्टी स्टार्टा हमने बाइक लिया और उसके ऊपर हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई, इंशाल्लाह इस बाइक के ऊपर भी बनाएंगे। यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो दरमियान में थोड़ा सा मेरा मैं स्लिप हो गया था, अपनी लाइन से हट रहा था, ठीक है, मैं थर्ड स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जा रहा था और वो उसके ऊपर मैंने इतना प्रेशर डाल दिया हुआ था कि मैंने थर्ड स्पोर्ट्स बाइक लेना है कि एक टाइम पे तो जॉर्ज साहब नाराज़ भी हो गए थे मुझसे। मगर फिर खैर इन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार अभी आप एडवेंचर टूरर रखो, अगर आपने कभी फोर्थ बाइक लेना हो तो आप स्पोर्ट्स ले लेना, मगर एक एडवेंचर टूरर आपके पास हर टाइम होना लाजमी है, क्योंकि कभी बंदे का प्लान बन जाता है कहीं भी जाने का तो एक ऐसा बाइक हो जो आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जाए बगैर किसी टेंशन के। सो फाइनली ये आ गया जी न्यू बाइक हमारे गैरेज में, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे। उम्मीद है मेरा डिसीजन भी आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इस बाइक को हम और टूर बाइक्स के साथ कंपेयर भी करेंगे, अपने इस डिसीजन को मैं कंपेयर भी करूँगा, क्योंकि सब ऑप्शंस थी हमारे पास, कोई भी बाइक ले सकते थे। मल्टी स्टार्टर से मैं इस पे क्यों शिफ्ट हुआ और इसकी बजाय मैं किसी कोई और बाइक क्यों नहीं लिया, तो इंशाल्लाह वो अगले ब्लॉग्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आज का ब्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।